हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि गिरी बाबा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं रवि गिरी बाबा का सच। आपको पता है कि मैं दवाइयों के संबंधी बहुत अच्छे अच्छे आजमाए हुए टोटके आपके सामने पेश करता हूं, बहुत अच्छे नुस्खे जो हमने उस वक्त आजमाए थे जब डॉक्टरों की बहुत कमी होती थी, हॉस्पिटल होते ही नहीं थे नज़दीक में। तब के जो नुस्खे हमारे आजमाए हुए हैं और इतने स्टीक हैं कि वो जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप वीडियो को खींच खींच के ना देखें, बड़े गौर से देखें ताकि आप भी आने वाली पीढ़ियों को मेरे नुस्खे बता सके। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। कई बच्चे हैं वो फटाफट में वीडियो देख लेते हैं, खींच खींच के स्किप कर करके वीडियो देखते हैं और फिर बाद में कमेंट में पूछते हैं हमारे समझ में नहीं आया, ये नहीं है, कैसे करेंगे, कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है, ये सब पूछते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को एक बार बड़े ध्यान से देख लो ताकि आपके जहन में बैठ जाए सारी बातें। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें। मैं आपको जो नुस्खे बता रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे बता रहा हूँ। तो आज मैं नुस्खा लेके आया हूँ आपके लिए, वो नुस्खा आप बनाएंगे तो आपके पेट में जो गुड़गुड़ हो रही है, जो ऐंठन पड़ रही है, उसको ठीक करेगा। आपको कभी लू नहीं लगने देगा। गर्मियों के दिनों में लू चलती है, आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है, आप उस लू से बचोगे, गर्मी से बचोगे। पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब तकलीफ से आ रहा है, पेशाब में पीलापन आ रहा है, उसके लिए भी आपको ये नुस्खा बहुत अच्छा रहेगा। स्त्रियों के मासिक संबंधी जो बीमारियां होती है उन सब के अंदर ये एक ही नुस्खा काम देगा। तो ऐसे में आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं, आप वीडियो को स्किप ना करें। आपके शरीर की ताकत को बढ़ाएगा। गले के जो टॉन्सिल हो जाते हैं इन टॉन्सिलों को ख़त्म कर देगा। पेट में अल्सर है उसके लिए बहुत ही कामयाब नुस्खा है। त्वचा संबंधी कोई भी रोग है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसको खाने के बाद में ये भूख को कुछ देर के लिए शांत कर देता है, तो इसलिए ये वजन भी घटाने में सहायक है। किसी का ज़्यादा वजन है उसके लिए भी ये सहायक है। तो आपको एक ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मैं छोटा सा आपको नुस्खा बता रहा हूँ। और ये सब चीज़ें करने की ताकत रखता है वो नुस्खा है गूंद कतीरा। दोस्तों गूंद दो प्रकार के आते हैं, एक तो आपने देखा है जो हम हलवे में लड्डुओं में गूंद डालते हैं, भून के डालते हैं और वो पानी में भीग भी जाता है और गल भी जाता है। ये बच्चों के कागज वगैरह चिपकाने में ये छोटे बच्चे गम रखते हैं, तो वो गूंद अलग होता है। एक होता है गूंद कतीरा, वो वैसा ही गूंद होता है, लेकिन आप मांगेंगे तो जाके पंसारी से गूंद कतीरा मांगेंगे। आप 100 ग्राम गूंद कतीरा ले आइए और उसको हल्का दलिए की तरह उसको छोटे छोटे टुकड़े करें। अब आपको कोई मिट्टी का बर्तन हो या कांच का बर्तन हो या फिर कोई चीनी मिट्टी का बर्तन हो, ऐसे बर्तन में शाम को एक चम्मच भिगो देना है। एक चम्मच में कम से कम आपको 100-125 ग्राम 150 ग्राम तक पानी डालना है। ये रात रात में एक चम्मच जो है ये फूल कर पूरा बर्तन गिलास पूरा भर जाएगा। बाउल में अगर आपने रखा तो बाउल पूरा भर जाएगा। सुबह उठकर उसको आप वैसे ही मिश्री मिला के खा सकते हैं। आधा सुबह खा लीजिए, आधा फ्रिज में रख दीजिए, शाम को खा लीजिए। तो आपके ये जो मैंने अभी बताए हैं ये सारे रोग छू मंतर हो जाएंगे, कोई भी आपके ऐसा रोग नहीं रहेगा। अगर आपको मिश्री के साथ में अच्छा नहीं लगता है तो बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। आप इसको दूध में डालकर जब इसको सुबह निकालो तो आधा ले लो, यानी आधा चम्मच का भाग ले लो और उसमें से पानी निकाल दो। हल्का सा पानी निकलेगा, पानी निकल जाएगा। पानी निकलने के बाद में उसको दूध में घेर के
और उसमें मिश्री मिला लो और फिर इसको खाइए, कितना टेस्टी लगेगा आपको खाने में, और साथ में हाथों हाथ आपकी ये बीमारियों को दूर करेगा। तो आपको खाना है गोंद कतीरा, अभी एक महीना और टाइम पड़ा है गोंद कतीरा खाने का। आप गोंद कतीरा खाएंगे तो आपके शरीर में बहुत लाभ होगा। हाँ, सर्दियों में नहीं खाया जाता, लेकिन ये मानिए कि मार्च से अक्टूबर तक आप बीच में कभी भी खा सकते हैं इसको, और रोजाना खा सकते हैं आप। 20 दिन खा के देखिए आपके शरीर के अंदर कितना परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों, ये नुस्खा जरूर करना, आप देखना कि आपके शरीर के अंदर कितना लाभ होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।